नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की स्टूडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोर्सेज जितने भी हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, सीट्स इनटेक कितना लगता है, ए टू जेड डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आपके कितनी सीट्स का इनटेक होता है, हर एक कोर्स के अकॉर्डिंग है, इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ कॉलेज और यहाँ पर लिखा है कोर्स ऑफर्ड और यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो रिजर्व कैटेगरी एससी स्टूडेंट्स, एसटी स्टूडेंट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी इस 63 के अंडर में आएंगे। ऐसा नहीं कि इनकी सेपरेट सीट्स हैं, इन सभी को टोटल करोगे आप तो 63 सीट्स बन के आती है। तो इसी के अंडर में सारी सीट्स हैं। अदिति महाविद्यालय के अंदर बीएड की जो टोटल सीट्स हैं वो है 63, आर्यभट्टा कॉलेज के लिए है 58, फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीएमएस के लिए है 58 सीट्स का इनटेक है, जिसके अंदर 23 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, 9 एससी और 4 एसटी के लिए, बाकी ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और अगर हम बात करते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के लिए तो 50 सीट्स अवेलेबल हैं, और बिजनेस ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए 50 सीट्स अवेलेबल है। भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में आपको 77 सीट्स मिलेंगी। इस तरीके से गार्गी कॉलेज के अंदर 59 सीट्स हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, और बीएलएड के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 63। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देने वाला हूं ताकि आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी सीट्स को कैलकुलेट कर सके या फिर प्रोबेबिलिटी लगा सके कि आपको यहां पे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा स्कोर के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि फ़ी स्ट्रक्चर कितना लगता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिख रहा है और यहाँ पे ईयरली फीस लिखी हुई है, और हर एक कैटेगरी के लिए अलग फ़ी स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी कॉलेज के अंदर, किसी किसी कॉलेज के अंदर सेम स्ट्रक्चर रहता है। अदिति महाविद्यालय की बात करें तो बीएलएड की जो फीस है वो है 8700, ये आपकी ईयरली फीस है, ठीक है, जितने भी साल का आपका कोर्स होगा उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। आर्यभट्टा कॉलेज की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की फीस है 26,000 पर ईयर, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की है आपकी 23,000 पर एनम, और 26,000 है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की बात करें तो 27,000 ईयरली फीस है आपकी, और बीएमएस की फीस है 10,000 ईयरली। क्लस्टर इनोवेशन की बात करें तो बीटेक मात्र 5,000 में आपके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है ईयरली। सो इस तरीके से आपको अपने कोर्सेज की फ़ी स्ट्रक्चर देख लेनी है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की जो फीस है वो है 7,240 रुपीज़, और इसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज की है बिजनेस इकोनॉमिक्स की 19,000 पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। मिरंडा हाउस की 19,000 फीस है बीएलएड कोर्स के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो पीडीएफ है आपका एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड कोर्सेज के लिए रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड के कोर्सेज की ही आपको फीस स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।